एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। खैर, मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ा सा गला यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख रहा है। लाइक जब भी ठंडिया आती है ना, मेरा गले का हमेशा प्रॉब्लम होता है। ये सब बात तो हो गई अलग। तो आज की वीडियो जिस लिए आपने क्लिक किया है वो बताने वाली हूँ। बेसिकली मैंने 8 लिपस्टिक्स ली है, वो पर्पल से ली है। तो पर्पल से आप लोगों को पता है कि आजकल कितना ट्रेंडी चल रहा है पर्पल, तो मैंने भी पर्पल से लिपस्टिक लिया है। लाइक 50% ऑफ में मुझे मिल रही थी और मैंने काफ़ी दिनों से इसको ऐड टू कार्ट रखा था करके, और मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से कब इसमें कोई भी ऑफर आए और मैं इसको बाय करूँ। सो फाइनली वो दिन आ गया, मैंने इसको बाय कर लिया। पर जो एक्सपेक्टेशन होती है, लाइक हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लिपस्टिक ऐसे होंगी, क्योंकि NYBA की लिपस्टिक मैंने यूज़ किए थे। लोगों को पता है कि जब हम लोग मेकअप सीखते रहते हैं, जब सीखते रहते हैं तो हम लोग थोड़ा अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, देन फिर थोड़ा बढ़ाते हैं हमारे प्राइस रेंज को, फिर थोड़ा, और अगर आप बहुत अच्छा सीख गए तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करने लग जाते हैं। तो आज करेंगे हम लिपस्टिक्स के बारे में बातें। तो आज का वीडियो जिसमें एक आपको स्वॉच दिखाकर, जस्ट एक वीडियो बनाकर ऐसे नहीं बताने वाली हूँ आप लोगों को। फुल मैंने इस पर पूरी मेहनत की है। लाइक जितने भी टाइप्स की लिपस्टिक है उस पर मैंने फुल सुबह से लेकर शाम तक की इसको लगाकर, इस पर जो भी मेरा रहा है, जो मैंने इस पर देखा है, क्या इस पर हुआ, क्या हुआ, जो भी हुआ सब आपको वीडियो में मिल जाएगा आगे। तो आपको वीडियो देखनी है, वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और यस बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन मिलना भी तो जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। पता लाइक डब्बा रिसीव हुआ था जिसमें मेरे को 8 लिपस्टिक रिसीव हुई थी। 8 लिपस्टिक में मैंने सबसे पहले लिया था स्टेक वर्की की ये मिनी लिपस्टिक, देन मैंने लिया है NYBA का ये वाला लिपस्टिक, देन मैंने लिया है पर्पल का ये लिपस्टिक, एंड देन मैंने लिया है इसाबेला का ये लिपस्टिक। तो स्टेक वर्की की मेरी लिपस्टिक मैंने ली है 4 और पर्पल की 2 और ये सब दोनों एक एक। तो मेरा ये सब अलग अलग टाइप का लेने का क्या मोटो था, तो जब मैं इसको बाय कर रही थी तो मैंने सोचा कि इस पर मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं जब इसको ले रही थी तो मैं ये सोची थी यार स्टेक की थोड़ी सी कॉस्टली है तो मैं स्टेक वर्की की लिपस्टिक ट्राई करना चाहती हूँ। देन उसके बाद में पर्पल का है तो मैंने सोचा यार पर्पल की भी कॉस्टली है तो वो भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ। कि अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, जब जैसे कि अभी आप लोगों को पता है मैं थोड़ा कम ब्रांड यूज़ करती थी, फिर अभी थोड़ा धीरे 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 ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना पर्पल की हो जाए, क्यों ना स्टेक वर्की की हो जाए। और भी ब्रांड ट्राई कर सकती थी बट ऑफर्स नहीं मिले, तो आपको बता दूँ कि क्या हुआ। एक्चुअली स्टेक वर्की का कुछ प्राइस रेंज जो था वो अपना जो पर्पल है उससे मैच टू मैच था, तो मैंने सोचा कि चलो एक स्टेक की लेते हैं, एक पर्पल की लेते हैं, देन NYBA की लेते हैं और देन इसाबेला की लेते हैं। जो लिपस्टिक है वो है डार्लिंग इसाबेला की, ये पिंक लिपस्टिक है जो कि है ड्यूचेस रॉयल मजेंटा कलर। तो ये एक मजेंटा कलर है और पिंक और पर्पल टोन में है। ट्राई किया था फर्स्ट डे पे, वो था मेरे हाथ पे मोबाइल है ताकि मैं आप लोगों को टाइमिंग्स बता सकूँ एग्जैक्टली डार्लिंग इसाबेला का। एंड 11:30 बजे मैंने इसको अप्लाई किया था। एंड गाइज उसके बाद में मैंने ऑफिस गई, मैं ऑफिस गई, देन मैंने लंच किया। लंच करने के बाद में भी ये लाइक मैं अगर अप्लाई की बात करूँ तो ये अप्लाई बहुत ज़्यादा इजीली हो जाती है। इसका जो बॉन्ड है वो भी बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ही इजीली आप इसको लगा सकते हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। बट ये लिपस्टिक्स में ऐसा है कि अगर आप ये लिपस्टिक एक्चुअली आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई, सुपर ड्राई कर देती है, तो आप इससे पहले अच्छा वाला लिप बाम मॉइस्चराइजर जो भी है आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज जरूर कर ले। इसका एक और एक पिक लिया जो कि मैंने लिया था 7:47 मतलब 7:45 इसकी पिक लिया था, जो कि इस टाइप की ये लिपस्टिक दिख रही थी। तो आप लोग अभी भी देख सकते कि उतनी भी नहीं, उतनी भी क्या, लाइक 12 मतलब 7-8 घंटे भी ये चल गई। ये बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी फंक्शन में गए हैं तो हम लोग 4 घंटे से ऊपर फंक्शन में नहीं होते हैं। अगर हमारा खुद का बहुत ज़्यादा करीबी हो तो हम लोग उतना घंटा रहते हैं, अदरवाइज इतने देर तक तो हम लोग कोई फंक्शन में नहीं रहते। सो एक लाइक इसका प्राइस क्या है, 185 है और ऑफर में ही आपको शायद और कम में मिल जाती है, तो इतने प्राइस में आप लोग और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ट्राई देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं कि ये और कितने देर तक ये स्टे कर सकती है। उसके बाद में भी मैंने रात का डिनर किया और इस दिन मैंने गुपचुप भी खाए थे, तो मैं वो भी बता दूँ कि मैंने पानी पूरी भी खाए थे। तो उसके बाद में मैंने इसका और लाइक उसको रहने दिया, डिनर भी किया। उसके बाद मैंने 11 बजे इसकी कुछ ये हालत थी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत निकल गई थी पर ये थोड़े से ड्राई कर देती है लिप्स को, तो मेक श्योर मॉइस्चराइज जरूर कर ले। ये हो गया डार्लिंग इसाबेला का। आप लोग खुद ही बताना, मैं किसी भी लिपस्टिक को जज नहीं करूंगी, आप लोग खुद बताना कि अगर इस टाइप का अगर रिव्यू हो
तो आप लोग कौन सी लिपस्टिक्स लेना पसंद करोगे? जिसका जो नंबर है वो है 17 और नाम बहुत ज़्यादा बारीक में लिखा है तो मुझे नाम पढ़ना नहीं पता कि कौन सा नाम है। तो पर्पल की लिपस्टिक लगाया था, तो जब मैंने लगाया था कि यार तो 11:30 बज रहे थे, मैंने इसको 11:30 बजे अप्लाई किया। मैं ऑफिस जाते वक्त सारी लिपस्टिक को मैंने टेस्ट किया था। 11:30 बजे ये लिपस्टिक कुछ इस टाइप से दिख रही थी। मैंने लंच किया, जैसे कि ऑफिस में मैंने लंच किया, और उसके बाद बीच में जैसे ही मैंने लंच किया, आफ्टर लंच कुछ इस टाइप का मेरे को दिखने को मिला। यहाँ से जो मेरी लिपस्टिक है वो उखड़ गई थी, तो मैंने उसकी भी पिक ली कि इतने इतने बजे मेरा लिपस्टिक उखड़ गया था। 5:45 बजे ये लिपस्टिक का हालत कुछ इस टाइप से था। लाइक पर्पल ब्रांड से हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना। इसाबेला, लाइक मैं सोच रही थी डार्लिंग इसाबेला फ्लॉप हो जाएंगी, बट वो इससे ज़्यादा अच्छी निकली, तो ठीक है। उसके बाद में जो नाइट की जो है वो है ऑफिस से आने के बाद में, जो कि है 7:07 बजे। 7:07 बजे मेरी लिपस्टिक की हालत कुछ इस टाइप से थी, लिटरली यहाँ से पूरी क्रैक हो चुकी थी। और बाकी सबका जो पिगमेंटेशन वगैरह सब कुछ अच्छा था, बट अगर लिपस्टिक का स्टे में बात करूँ तो उसकी बात कर रही हूँ। लिपस्टिक ने मतलब ये पर्पल की लिपस्टिक ने 4 घंटे में ही अपना पूरा ये कर दिया था। 4 घंटे भी ये नहीं अच्छे से टिकी थी, उससे पहले ये निकलने लग गई थी, तो ये एक चीज़ है। देन उसके बाद में रात की भी फोटो लिया है मैंने, वो भी आप लोग देख सकते हैं। रात को ज़्यादा रात नहीं हुई थी, वो लिपस्टिक का मैंने तो बताया था कि उसमें 11 बज गया था, पर यहाँ पे 9 बजे ही ये लिपस्टिक टोटली ख़राब हो गई थी। लाइक आप लोग देख सकते हैं पिक में। उसके बारे में उसके बाद में जो दूसरी लिपस्टिक है वो है स्टेकवेयर की थी, जो कि है आई वोक अप लाइक दिस, जो कि है नंबर थ्री है। तो ये लिपस्टिक को मैंने अप्लाई किया था, कितने बजे किया था ये लिपस्टिक को अप्लाई किया था मैंने 11:40 को, 11:45 बजे मैंने इसको अप्लाई किया था। देन ये कुछ इस टाइप की दिख रही थी। उसके बाद में ऑफिस जाने के बाद, बहुत ही प्यारा कलर है ये शेड, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, अच्छी लगी मुझे। थोड़ा सा ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देती है, अभी भी मैंने स्टेक करके लगाया है पूरा ड्राई हो गया है। एक चीज़ उस समय मुझे नहीं दिखी थी, बट अभी मैं बता रही हूँ, लिटरली मैं जब बात कर रही हूँ तो ये मेरे टिप पे लग जा रही है, और बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स मेरे टिप पे लग जा रहे हैं। तो ये लिपस्टिक आई डोंट नो, उस समय तो ऐसा नहीं था, पर इस समय लिटरली यहाँ पे पूरे फाइन पार्टिकल्स ये ऐसे हो जा रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। तो ये एक चीज़ है, अभी मैंने वेयर किया तो वो भी बता दिया। देन उसके बाद में रात को 11 बजे आप लोग देख सकते हैं ये वाली लिपस्टिक का कुछ ये हाल था। यहाँ से अभी भी निकल चुकी है, यहाँ से अभी भी निकल चुकी है, उस समय भी वो यहाँ से पूरी निकल चुकी थी। लाइक अगर लिप्स के अराउंड ये पूरी निकल जाती है ऑयल लगता है तो, बट इतना ही था। तो ये लिपस्टिक का रिव्यू कुछ इस टाइप से था। तो ये लिपस्टिक एक है। NYB की लिपस्टिक की बात करूँ तो NYB की मैंने लिपस्टिक ली है, अगेन ये सेम उसी कलर में है जिस कलर में मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, और इसका जो नंबर है वो है 15। लिपस्टिक की बात करूँ तो कलर वाइज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सब कुछ अच्छा है। बस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कलर है वो इतना ज़्यादा लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए ये बहुत ही परफेक्ट कलर है। ये कलर मैंने अपने क्रिसमस लुक में भी वेयर किया है, वीडियो में फोटो क्लिक करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कलर है, बट इन रियल लाइफ अगर आप इसको आप इतने पैची तरीके से लगाते हो, पैची मीन्स जैसे मैंने अभी रेड को 2-3 लेयर में लगाया है, अगर इसको वैसे लगाते हो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। सारी लिपस्टिक वैसे ही है, सारी मैट है, पर इतना ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए लिप्स कि वो ऐसे फटे फटे से होट लगे। और सबसे मेन बात, अगर आप इसको एक ही स्वाइप करके थोड़ा सा ऐसे फैला ले रहे हो अगर अपने फिंगर की हेल्प से, तो ये आपको अच्छी लगेंगी। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल लिपस्टिक जैसे लगाते हैं ये वैसे लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा भड़कीला कलर लग सकता है। इन रियल लाइफ मैंने इसको लगाकर जस्ट इसको मतलब मैं घर के अंदर लगा रही थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे कि कभी कभी होता है हम लोग पाउडर भी अगर लगाते हैं तो घर में अच्छा लगता है, घर के बाहर जाके वो थोड़ा ख़राब सा दिखता है। सेम ये लिपस्टिक के साथ हुआ, एकदम से मेरे लिप्स इतने ज़्यादा ड्राई हो गए कि मैंने इसको वाइप आउट कर दिया। मुझे लिपस्टिक उतना नहीं अच्छा लगा। तो ये एक है। प्राइस जो है, लिंक जो है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग आपके तरीके से बता रहा कि आपको पर्सनली ये कौन सी लिपस्टिक अच्छी लगी, क्योंकि ये लिपस्टिक को मैंने तुरंत ही रिमूव कर लिया था, इसलिए मेरे पास में इसका कोई पिक नहीं है, क्योंकि
मुझे बिल्कुल लाइक इतना ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे लिप्स पे मैंने कुछ तो भी लगा रखा है, बहुत ज़्यादा भारी बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा था। बाकी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लाइक जो भी थी मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी, मैं यही सिर्फ अच्छी लगी पिगमेंटेशन वाइज और स्टे वाइज बता रही हूँ। स्टे इसने ही सबसे ज़्यादा किया, इसाबेला की लिपस्टिक्स। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने ये वीडियो जब बनाया और मैंने ये वीडियो का सोचा कि मैं आप लोगों को सारा का सारा फोटो वाइज बताऊंगी कि क्या ये लिपस्टिक कैसे स्टे करती है, लाइक सिर्फ स्वॉच और ये देखकर नहीं, पूरा का पूरा जो मैंने खुद फील किया वो मैंने आपको बताया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जितना जितने स्वॉच बताए, 3 दिन में मैंने ये वीडियो को लाइक, फर्स्ट डे तो मैंने ऐसे ही लगा लिया, तब मुझे लगा कि नहीं मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, इसलिए शेयर किया। बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो यस, वीडियो को लाइक करके ही जाना एंड सब्सक्राइब भी कर देना अब तक नहीं किया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरा पर्सनल फेवरेट ये वाला लगा मुझे अभी फिलहाल, आई डोंट नो बाद में चॉइस चेंज हो सकती है, हो सकता है इन लोग बहुत अच्छा कुछ इसमें चेंजेस कर दे तो अच्छी भी हो सकती है, पर अभी इस वक्त मुझे इसाबेला, इन सारे लिपस्टिक्स में से इसाबेला अच्छी लगी। आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी वो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।